मेरा नाम डॉक्टर संदीप डोगरा है और मैं कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। आज मैं आपके साथ बात करूँगा कोविड की इस सेकेंड वेव के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय हम एक बड़े क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं। यहाँ पर डेली एक कोविड पॉजिटिव के जो संख्या है पेशेंट्स की वो बढ़ रही है और साथ ही साथ हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपनी पीक कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमें ये दोबारा से एक बार समझना पड़ेगा कि इस सेकेंड वेव से निकलने का जो रास्ता है वो है कि हमें इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है। तो इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले फॉलो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसका है मास्किंग का। पिछली बार हम एक मास्क की बात करते थे, इस बार हम डबल मास्किंग की बात कर रहे हैं। पिछली बार एक गज दूरी की बात होती थी, इस बार दो गज दूरी की बात होती है। हाथ को बार बार साफ करना वैसे ही है। और एक बात और कि क्योंकि हम ये समझते हैं इस बार कि ये इस बार जो सेकेंड वेव में जो वेरिएंट्स का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये वेरिएंट्स जो है ज्यादा इंफेक्शियस हैं, इनका जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा फास्ट हो रहा है। इसीलिए हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स को अवॉइड करना है। ये कोरोना कर्फ्यू का टाइम है, इसका मतलब है कि हमें एडवाइस है कि हम घर पे रहें और जो लोगों को परमिशन जाने का है बाहर या जिनको जरूरत है बाहर जाने की, वही अपने घर से बाहर निकलें। कोशिश करें कि अपने काम जो है घर में रह के करें। दूसरा तरीका हमारे पास है वैक्सीन। आज हमारे पास दो वैक्सीन हैं, दोनों इफेक्टिव हैं और 18 साल से ऊपर सबको ये वैक्सीन जो है लेनी चाहिए, खासकर वो बुजुर्ग और वो लोग जो कोमॉर्बिड हैं उनको जरूर। इनको फॉलो करते भी अगर किसी को कोविड के लक्षण आते हैं तो हमारी एडवाइस है कि वो अपनी टेस्टिंग करवाएं और उसको डिले मत करें। टेस्टिंग के लिए आप रैपिड टेस्ट भी करवा सकते हैं, आरटीपीसीआर भी करवा सकते हैं। अगर आपका रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप मान के चलिए कि आपको कोविड 19 है, उस केस में दोबारा से आरटीपीसीआर कराने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स हैं लेकिन रैपिड टेस्ट नेगेटिव आता है, उस केस में आप आरटीपीसीआर करवा सकते हैं। अगर आपका कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको इमीडिएटली आइसोलेट करना है अपने आप को और जो कॉमन जो आपको पॉइंट्स हम बताते हैं उनको फॉलो करना है। और होम आइसोलेशन में भी आपको एक डॉक्टर के साथ में टेली कंसल्टेशन के थ्रू रابطہ कायम रखना है, उनसे अपने सिम्टम डिस्कस करने हैं। और होम आइसोलेशन में आपको ख्याल रखना है कि जो अलर्ट साइंस हैं अगर वो आपके साथ होते हैं तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल की ओर रुख करना है, 108 एम्बुलेंस की सर्विस लेनी है और जो हमारे ट्रायाज हैं गांधीनगर हॉस्पिटल और सिटी हॉस्पिटल वहां पर जाकर रिपोर्ट करना है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, इस सेकेंड वेव से निकलने के दो ही रास्ते हैं, फॉलो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए ताकि हम एक थर्ड वेव की तरफ ना जा पाए और इस कोरोना को यहीं पे खत्म करें।